हे गाइस, वेलकम बैक हियर। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है योगेश वर्मा और इस टाइम मैं हूं दुबई में। मेरे पीछे है जुमेरिया बीच और यहां पर मुझसे मिलने आए हैं सीए स्टूडेंट्स कुछ। उनसे बात करके आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आपको यार, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप दुबई में करी है। प्लीज़ वेलकम निकुंज। हाय निकुंज, हाउ आर यू? हेलो गाइस, क्या हाल है? बस चल रहा है। और कैसे पहुँचे यहाँ पे? आ गए अभी। हाँ, अब तो सबको भी बताना है ना, क्योंकि आप भी एक्साइटेड होंगे कि निकुंज भाई आ गए दुबई में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। कितना धर्म मिलता है यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप स्टाइपेंड? आर्टिकलशिप का रेंज 2 से 2500 रहता है। अच्छा, कोई कोई फॉर्म्स 1500-1700 भी देती है। तो कितना अमाउंट हो गया रुपीज़ में? मतलब 23.5 का रेट चल रहा है इधर, तो ऑलमोस्ट 40,000 to 60,000 तक का रेंज रहता है। 50,000 एवरेज पकड़ सकते हो। 50,000 रुपये की स्टाइपेंड है। और आप इनसे जानते हैं निकुंज से प्रोसेस, क्योंकि मैं भी स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ कि कैसे जो है आर्टिकलशिप आप यहाँ से कर सकते हो। सीएस तो सुना था, बहुत सारे आते हैं, पर आर्टिकलशिप फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो निकुंज, कैसे रहा, मतलब कैसे मन में आई कि मुझे बाहर से अब्रॉड से आर्टिकलशिप करनी है? मतलब ऐसा सोचा तो था, पर सब ऐसा बोलते थे कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो बाद में आते हैं सीए लोग करने के लिए, तो मैं सोचा बाद में आना ही है तो वापस उससे पहले ही आ जाओ ना, क्योंकि दुबई में इवेंचुअली आना तो है। तो आर्टिकलशिप के लिए मैं आ गया इधर, फिर विजिट वीज़ा पे, फिर उसी हिसाब से फिर प्रोसेस किया, सब जगह पे अप्लाई किया। आपने कितने दिन का विजिट वीज़ा लिया दुबई के लिए? 2 मंथ्स का, 60 डेज़ का विजिट वीज़ा। टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पर आने की वीज़ा के साथ? कॉस्ट तो मतलब अपने एक तो रिटर्न टिकट की रहती है, 25,000 जितना लगा था। फिर वीज़ा का रहता है जो 500 दिरहम्स यानी ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार समझ लो। फिर जो फॉर्मल कपड़े तो अपने हिसाब से लेने के रहते हैं, मतलब थोड़ी। चलो 50,000 रुपये लग गए आपके। हाँ, 50,000 के तक हो जाएगा। और 50,000 की स्टाइपेंड आ जाएगी तो रिकवर हो गया एक महीने में। हाँ, वो तो कह सकते हैं रिफंड, मतलब और इधर खर्चे भी है थोड़े थोड़े, तो मतलब 2-3 महीने में हो सकता है रिकवर तो हो जाए, बाद में फिर हो जाते सरप्लस में आ जाते, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एफर्ट लगता है 50,000 रुपये, नहीं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जो 20-20 लाख लोग आईएम के लिए दे देते हैं, कनाडा जाने के लिए दे देते हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है। 50,000 लगा के दुबई आ जाओ और यहाँ पर आकर यू कैन चेक कि भाई वेदर आई लाइक दिस प्लेस और नॉट, एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो निकुंज से पूछते हैं भाई, अब जब आप यहाँ पर आ गए, आपने रिटर्न टिकट कराई, वीज़ा लिया, उसके बाद से फॉर्म को अप्रोच कैसे किया अपने फॉर्म को? अप्रोच के फॉर्म पे तो मतलब मैंने लिस्ट देखी थी, मेरे फ्रेंड ने लिस्ट भेजी थी पूरी, तो उस हिसाब से मैंने सबको मेल किया था। तो मेल में इतना कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पर्सनली जाके सब फॉर्म्स में पूछ के आऊँ। तो मैं सब फॉर्म्स में जाके सीवी देता था अपना और उनको बोलता था कि भाई आई वुड लाइक टू वर्क फॉर आर्टिकलशिप। और मोस्ट ऑफ फॉर्म्स को इधर आर्टिकलशिप का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। वो लोग को लगता है कि भाई आर्टिकलशिप मतलब कोई बंदा जॉब ही मांग रहा है, तो उनको आपको एम्फोसिस देना पड़ता है कि नहीं मेरे को आर्टिकलशिप ही करना है जो ICAI के अंडर रजिस्टर होता है। तो फिर जो CA होगा वो समझेगा कि हाँ भाई इसको आर्टिकलशिप करनी, फिर वो बोलेगा कि नहीं हम लोग आर्टिकल्स नहीं रखते, आप पहले आर्टिकल हो। तो आपको बोलना है कि हाँ आई विल डू माई आर्टिकलशिप सिंसियरली, ऐसा वैसा, और ज्वाइन हो जाना है। अच्छा, और आप यहाँ के CA के अंडर ही रजिस्टर होंगे, जो इंडियन CA है वर्किंग इन दुबई? हाँ, अभी मेरे ICAI पोर्टल पर रजिस्टर होंगे? हाँ, मेरे को ICAI पोर्टल पर रजिस्टर करने बोला है, और इंडियन CA ही है, मुंबई के ही CA है। मोस्टली फॉर्म्स मतलब इंडियन फॉर्म्स ही इधर ओपन होते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। आप इंग्लिश तो बेसिक आता ही होगा सबको, इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। बाकी कोई कोई फॉर्म्स मतलब फॉरेन की भी रहती है, जैसे बीकर तिल्ली है, जो फॉरेन की फॉर्म्स रहती है उसमें भी आपको मतलब सब्सटेंशियल उनको लगा कि भाई कैंडिडेट बरोबर है, तो उसमें से भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। तो आपको जो भी मतलब सूटेबल लगा, आपको 2-3 ऑफर्स मिलेंगे उस। तो मतलब आपके पास मल्टीपल ऑफर रहने वाले हैं, सेलेक्ट आपको करना है, बस दुबई आने की दिक्कत है। वो भी टिकट करा के आ सकते हो, उसमें भी बहुत सारे लोगों से नहीं होता, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पीछे देखो गाड़ियाँ, देखो आप गाड़ी कहाँ गई, एक से एक गाड़ी है, जुमेरा आइलैंड है, फॉरेनर्स हैं, और बीच पे क्या क्या कर रहे हैं आपको तो पता ही है, उसकी फुटेज मैं डालूंगा अपने वीलॉग चैनल पे, ज़रूर देखना। तो अब कैसा लग रहा है भाई आपको, इतना 1-1.5 महीना हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? 1.5 महीना हो गया, मतलब अभी तो पहले थोड़े दिन ऐसा लगेगा कि नहीं भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अलग अलग लोग है, पर फिर आप थोड़े देर में मतलब नॉर्मल हो जाता है सब, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यही ये एरिया में हुआ था, मतलब मैं बड़ा हुआ था, ऐसा मतलब इतना तो नहीं, मतलब नॉर्मल हो जाता है थोड़े दिनों के बाद, ज़्यादा नहीं रहता। मतलब पहले जब जाते थे तो बुर्ज खलीफा में ऐसा फोटो खींचो, अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब नॉर्मल रहता है कि नहीं भाई बस बुर्ज। तो सही है यार, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर भी मिला है कुछ। 1-1.5 महीने में कुछ असाइनमेंट्स करें आपने? नहीं, अभी तक आर्टिकलशिप वाला वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं किया ना, तब तक प्रॉपर वर्क नहीं देते वो लोग। जब तक वर्क वीज़ा नहीं रहता तब तक इधर पे दुबई में रूल है कि आप काम नहीं कर सकते कोई एम्प्लॉयर के अंदर, 50,000 तक का फाइन रहता है, मतलब जो भी रिलेटिव टर्म्स में। तो उस हिसाब से कुछ अभी तक इतना स्टार्ट नहीं हुआ है वर्क, आई गेस जब स्टार्ट हो जाएगा तब फिर वापस वीडियो शूट करेंगे। संक्षेप में थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या करना चाहिए जिसकी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है? आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है तो आप कंप्लीट करो, CA क्लियर करो, फिर बाद में ही क्वालिफाइड होकर ही आओ, तो यहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
स्टार्टिंग में आपको जो स्ट्रगल रहेगा इनिशियल वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको मतलब अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, फिर आप चूज़ कर सकते हो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे हो। चलो थैंक यू निकुंज, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विश यू डोंट माइंड इफ यू पब्लिश इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नो नो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, निकुंज को एज अ गेस्ट हम बुला सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आकर वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी ले पाएंगे और मैं तो लूँगा ही लूँगा। तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल योगेश वर्मा, एंड यहाँ आप देख सकते हो अच्छा नज़ारा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और आई थिंक ये मेरे फर्स्ट कंट्री था जो मैं बाहर आया, अब ऐसे और कंट्री जाऊँगा तो ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।